नेक को बिल्कुल ढीला छोड़ना आपने, जस्ट रिलैक्स योर नेक, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ढीला ढीला। कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स इज जस्ट फॉर द इंस्टेंट रिलीफ। जैसे अगर कोई पेशेंट आया है मुझे कह रहा है कि मेरी नेक में थोड़ा खिंचाव है या पेन है, तो मैं उसकी अलाइनमेंट करूँगी और वो बेहतर हो जाएगा। ये इंस्टेंट रिलीफ के लिए। मेरे पास जो मेजरली पेशेंट्स आते हैं ना, वो इसीलिए आते हैं कि वो मेडिकेशंस और सर्जरी से बचना चाह रहे हैं। अब तो काफ़ी बेहतरी आ गई है, काफ़ी अवेयरनेस हो गई है फिजियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स के, मतलब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है। कहा यह जाता है कि औरत कमज़ोर हड्डी वाली होती है क्योंकि वक्त के साथ साथ उसकी हड्डियों से कैल्शियम ख़त्म होता चला जाता है, इसलिए औरत को कमज़ोर हड्डी वाला कहा जाता है। एक औरत जो कि खुद कमज़ोर हड्डी वाली है, वो एक मज़बूत मर्द जिसकी हड्डियां मज़बूत होती हैं, उसका इलाज कैसे करती है, आज आपको दिखाते हैं। जी हाँ, मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ फर्स्ट फीमेल कायरोप्रैक्टर से, तो चले मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अच्छा डॉक्टर मेरीन, मुझे ये बताइएगा कि फीमेल्स जब डॉक्टर बनती हैं या स्पेशलाइजेशन करती हैं, तो वो अक्सर गायनी बनती हैं या किसी और शोबे की तरफ जाती हैं, तो आप कायरोप्रैक्टर ही क्यों बनी? बेसिकली आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट बाय प्रोफेशन एंड सर्टिफाइड कायरोप्रैक्टर, एंड मेरी सर्टिफिकेशन इज़ फ्रॉम इटली। बेसिकली फिजियोथेरेपी जब हम आते हैं ना, तो हमारा मेजरली एम ये होता है कि हम पेशेंट्स को मेडिकेशंस और सर्जरी से बचा सकें और कुछ नई नई ऐसी टेक्निक्स सीखें या अप्लाई करना शुरू करें, जिससे हम पेशेंट्स को इन सब चीज़ों की तरफ जाने से रोक सकें, क्योंकि स्पाइन की सर्जरी से, जॉइंट्स की सर्जरी से, पेन्स से बचा सकें, उनकी मोबिलिटी को इम्प्रूव कर सकें। तो इसलिए मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया अपनी फील्ड को, और मुझे ये बहुत चीज़ फैसिनेट करती थी कि कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स करते हैं या स्पाइन के अलाइनमेंट कर रहे होते हैं और पेशेंट की पेन मैनेज हो रही होती है, उसकी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग बेहतर हो रही होती हैं, जॉइंट के अलाइनमेंट्स बेहतर हो रही होती हैं। तो इस चीज़ की वजह से फिर मैंने प्रॉपर सर्टिफिकेशन की कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स की, और अब मैं वो परफॉर्म कर रही हूँ अपने पेशेंट्स के ऊपर। अच्छा डॉक्टर मेरीन, मुझे ये बताइएगा, आपने कहा कि हम लोगों को सर्जरी से बचाने के लिए या फिर पेन से बचाने के लिए इस ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं, तो कोई ऐसा पेशेंट जो कि काफ़ी अरसे से ठीक नहीं हो रहा था या फिर सर्जरी करवा रहा था और काफ़ी ज़्यादा पेन से गुजर रहा था, आपके पास आया हो और कुछ ही सेशंस के बाद उसको जो है ना फील हुआ कि वाओ दिस इज़ सो मैजिकल और मैं ठीक हो गया हूँ? बिल्कुल, ऐसा कोई एक केस नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि इवन आफ्टर सर्जरी भी ठीक नहीं हुए, सर्जरी के बाद भी उनकी पेन्स वैसे की वैसे ही रहती थी, आफ्टर फ्यू सेशंस ऑफ फिजियोथेरेपी एंड कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स वो काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। मैं आपके लिए मतलब एक चीज़ को क्लियर कर दूं कि कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स इज जस्ट फॉर द इंस्टेंट रिलीफ। जैसे अगर कोई पेशेंट आया है मुझे कह रहा है कि मेरी नेक में थोड़ा खिंचाव है या पेन है, तो मैं उसकी अलाइनमेंट करूँगी और वो बेहतर हो जाएगा। ये इंस्टेंट रिलीफ के लिए। मेजर रोल जो प्ले करता है ना, वो हमारी फिजियोथेरेपी प्ले कर रही होती है। हमने जॉइंट की अलाइनमेंट तो कर दी, लेकिन जॉइंट्स के साथ साथ हमने मसल्स को भी टारगेट करना होता है। जब तक हम मसल्स की स्ट्रेंथ पे फोकस नहीं करेंगे, उनकी अलाइनमेंट पे फोकस नहीं करेंगे, तब तक हम पेशेंट को 100% रिकवर नहीं कर सकते। अच्छा मुझे ये बताइएगा डॉक्टर मेरीन, कि लोग अब तो एडवांस इलाज की तरफ जा रहे हैं, जिसको हम अंग्रेजी इलाज भी कह सकते हैं, तो इसमें आप कैसे सर्वाइव कर रही हैं इस सब में? क्योंकि लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हमें बुखार हो गया या हमें ज़्यादा भी हो गया, तो हम जाके डॉक्टर से सर्जरी करवाएंगे या दवाइयाँ खाएंगे। होम्योपैथी की तरफ भी बहुत मुश्किलों से आते हैं, तो आप कैसे इस सब में सर्वाइव कर रही हैं? बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ना, पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। मेरे पास जो मेजरली पेशेंट्स आते हैं ना, वो इसीलिए आते हैं कि वो मेडिकेशंस और सर्जरी से बचना चाह रहे हैं, ठीक है। और जो टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज़ हम अपने क्लिनिक में इस्तेमाल कर रहे हैं, दे आर टू एडवांस्ड, ठीक है, वो सर्जरी और मेडिसिन को बहुत पीछे छोड़ देंगे। तो उन टेक्निक्स के ज़रिए से हम प्रॉपरली पेशेंट का जब ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो 100% रिकवर कर जाता है और उसको मेडिसिन और सर्जरी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है, लोग किस हद तक आपके पास आते हैं? पिछले कुछ सालों में लोगों को शायद पता भी नहीं था ये कोई ट्रीटमेंट भी होती है। पिछले सालों के बनिस्बत अगर देखा जाए, एक दो सालों में कितना फ़र्क आया है? अब तो काफ़ी बेहतर है। पहले था, इस तरह के लोगों को आइडिया नहीं होता था,
सालों पुरानी दर्दें हैं, मेडिकेशंस लिए जा रहे हैं, इवन ऑपरेट्स के ऊपर ऑपरेट्स करवा रहे हैं, नहीं ठीक हो रहे. अब तो काफ़ी बेहतरी आ गई है, काफ़ी अवेयरनेस हो गई है फिजियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स के, मतलब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है. अब पेशेंट्स ज़्यादा फोकस यही करते हैं कि वो इस तरफ आएँ. अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके पास तो काफ़ी सारे पेशेंट्स आते होंगे. अब जैसे देखिए, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो इतना बल्की नहीं है, ठीक है, मैं स्मार्ट सी हूँ, और जो पतले लोग होते हैं उनकी वेन्स देख के भी आपको अंदाज़ा हो जाता होगा कि कहाँ इनकी रगें हैं और मैंने कहाँ ट्रीट करना है या प्रेशर पॉइंट्स हैं. जो थोड़े से बल्कि होते हैं, जिनमें फैट्स होते हैं, उनको देख के आप कैसे अंदाज़ा लगाती हैं कि ये इनके प्रेशर पॉइंट्स हैं या कहाँ मैंने यहाँ प्रेस करना है तो मुझे अपने रिजल्ट जो हैं वो मिलेंगे? हाँ, बेसिकली हमने 5 ईयर्स की डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी की डिग्री ली होती है, जिसमें हमने प्रॉपर बॉडी के एनाटॉमी, स्ट्रक्चर, हर चीज़ के बारे में पढ़ा होता है. ठीक है, तो हमें आइडिया होता है कि कौन सी नर्व कहाँ से पास कर रही है, कौन सी नर्व किस मसल को सप्लाई कर रही है, मसल के ट्रिगर पॉइंट्स, मसल नोड्स कहाँ पे बनेंगे, प्रेशर पॉइंट्स कहाँ पे बनेंगे. तो हम पेशेंट को आते ही जब पैल्पेट करते हैं तो उन स्पेसिफिक टेंडर पॉइंट्स के ऊपर या प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर टच करते हैं. तो हमें एक्सपीरियंस के साथ साथ और कुछ स्किल्स के साथ साथ ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ समझ आना शुरू हो जाती हैं. अच्छा, जो पेशेंट्स आते हैं वो खुद बताते हैं कि देखिए मेरे तो यहाँ पर दर्द हो रहा है, यहाँ बैकबोन में पेन हो रही है. तो कभी कभार अक्सर ऐसा होता है ना कि पेशेंट्स आके खुद बताते हैं डॉक्टर के पास, नॉर्मली जब जनरल चेकअप के लिए भी जाते हैं, कि मुझे जो है ना आजकल चक्कर आ रहे हैं, ये हो रहा है वो, तो डॉक्टर कहते हैं नहीं तुम्हें ये नहीं है, तुम्हें ये है. तो कभी कभार ऐसा होता है जो पेशेंट्स आते हैं आपके पास कि मेरी इस हड्डी में दर्द हो रहा है, तो मेरा ये वाला बाजू इफेक्ट हो रही है और मुझे यहाँ पे ही ट्रीट करें. फिर आपको कैसे पता चलता है कि नहीं, यहाँ नहीं इसका मसला इसका कहीं और है, किसी और हड्डी में है, किसी और वेन में है? बेसिकली बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट या बीइंग अ कायरोप्रैक्टर, हमारी पेशेंट की असेसमेंट उसके जब वो चल के आ रहा होता है ना उस दौरान ही शुरू हो जाती है. हम प्रॉपरली उसकी वॉक, उसकी गेट से ही पता लगा लेते हैं कि उसके किस किस मसल में क्या इशू आ रहा है, कहाँ पे मस्कुलर इम्बेलेंस आ रहा है और कौन कौन सी बॉडी की अलाइनमेंट डिस्टर्ब है. बेसिकली असेसमेंट हमने वहाँ से स्टार्ट कर दी होती है. उसके बोलने से पहले ही हमें बहुत सारी चीज़ें सिर्फ असेसमेंट से पता चल जाती होती हैं. बाकी जब वो थोड़े बहुत सिम्टम्स बताता है तो उसको कोरिलेट करके हम उसे बता रहे होते हैं कि जी आपके साथ ये मसला नहीं चल रहा, आपके साथ ये इशू चल रहा है. अच्छा, आपने बात की, आपको देख के ही पता चल जाता है कि वो चल रहा है या बैठा है, बात कर रहा है, और आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कहाँ उसका जो है प्रेशर पॉइंट है और कहाँ मैंने उसको ट्रीट करना है, कैसे ट्रीट करना है. मुझे देख कर आप बताएं कि कहाँ मेरा दर्द, क्योंकि मेरे एक दो जगह पर जो है ना वो पेन होते रहता है अक्सर, तो मेरे कौन सी वो दो पॉइंट्स होंगी या जगह होंगी जहाँ मुझे पेन होता होगा? बगैर बताए और असेस किए मैं सिर्फ आपके बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इतना समझा सकती हूँ कि आपका थोड़ा सा फॉरवर्ड हेड पोस्चर है, उसकी वजह से हो सकता है कि आपके जो एक्सटेंसर नेक के मसल्स हैं वो थोड़े स्टिफ हैं, जिसकी वजह से आपको नेक में पेन आ रही है, या फिर और वो पेन बाज़ दफ़ा जॉ में भी रेडिएट कर रही होती है, नीचे शोल्डर में और स्कैपुलर रीजन के अंदर रेडिएट कर रही होती है. तो मेरे अकॉर्डिंग आपका अपर जो रीजन है, नेक वाला, थोरेसिक वाला रीजन, वो थोड़ा स्पैज़म में होगा ड्यू टू योर देखते हुए आपके बॉडी स्ट्रक्चर. ये तो बिल्कुल आपने सही कहा, 100% सही बताया है. अच्छा, मुझे प्रैक्टिकल करके आप दिखाएंगे ये सारी चीज़ें जो आपने बताई हैं ना? Sure. यहाँ पे मेरा कभी कभी अक्सर मुझे फील हो रहा होता है कि मुझे कुछ हो रहा है, यहाँ पे पेन हो रहा है, तो इसको जरा आप मुझे ट्रीट करके दिखाएं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसा फील कर रही हूँ और ये कितना मैजिकल है. व्यूअर्स, डॉक्टर महरीन मेरी अलाइनमेंट करने लगी हैं, अब देखते हैं इसके किस किस्म के रिजल्ट आते हैं. मुझे वैसे डर बहुत लग रहा है. नेक को बिल्कुल ढीला छोड़ना है आपने, जस्ट रिलैक्स योर नेक, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ढीला ढीला. व्यूअर्स, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन मुझे ना इतना मज़ा आ रहा है, दिल कर अभी सो जाऊँ लिटरली, क्योंकि जैसे आप मालिश कराते हो ना और आपको इतना ऐसा फील होता है कि आप ना बस गुनगुनी में चले जाते हो, और मुझे अभी इतना रिलैक्स फील हो रहा है. और मुझे वाकई यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होता था नेक में, और मैं सोच रही हूँ कि मैं दूसरा सेशन भी यहाँ से कराते हैं. व्यूअर्स, डॉक्टर महरीन पेशेंट की ट्रीटमेंट करने लगी हैं और फुल बॉडी ट्रीटमेंट करने लगी हैं, देखते हैं कि ये ट्रीटमेंट कैसी होती है. तो डॉक्टर महरीन, लेट्स स्टार्ट. जस्ट रिलैक्स योर नेक, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, वेरी गुड, वेरी गुड, जस्ट रिलैक्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, जस्ट रिलैक्स योर नेक. तो लाजमी है कि हर जगह से पटाखे निकले? बिल्कुल भी नहीं. जो क्रैकिंग या पॉपिंग साउंड्स होती हैं बेसिकली वो थ्रस्ट की वजह से आ रही होती हैं, उस वक्त जब जॉइंट के बबल्स
बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं कैप्सूल में से, तो दैट्स नॉट कंपलसरी बेसिकली। क्या सोच के आए थे कि डर लग रहा था, कुछ फील हो रहा था कि शिट क्या होगा? मैं आया यहाँ पे किसी का करवाने था, लेकिन देख के फिर मेरा भी दिल किया, मैंने करवा लिया। अच्छा, तो अब फीलिंग कैसे आ रही है? रिलैक्स फील कर रहे हैं? कोई पेन चेंज हुआ था? नहीं नहीं, कोई पेन नहीं, फीलिंग रिलैक्सेशन है। अच्छा फील हो रहा, बॉडी स्मूथ हो गई है इसकी वजह से। व्यूअर्स, अगर आपको भी कहीं हड्डियों का मसला है तो कायरोप्रैक्टर से रुजू करें। यकीन कीजिए आपके पैसे और सेहत दोनों सलामत रहेंगे।